बच्चों, आज हम लोग लास्ट वीडियो तक हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ ईदर की बात की थी। आज हम बात करने वाले डेवलपमेंट ऑफ हेयर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हेयर। ठीक है, तो हेयर के डेवलपमेंट में ये कहा जाता है, देखा जाता है कि सबसे पहले क्या होता है, ऊपर की तरफ पाया जाता है क्या, जननिक स्तर, जर्मिनल जर्मिनल लेयर पाई जाती है। वो क्या होती है, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब फूला हुआ भाग का निर्माण करती है। वो फूला हुआ भाग कहाँ पे, डर्मिस लेयर में धंसता हुआ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जर्मिनल लेयर स्तर, जननिक स्तर में बना डोम लाइक स्ट्रक्चर, फूला हुआ भाग, डोम लाइक स्ट्रक्चर डर्मिस में धंसता जाता है। ठीक है ना, जिससे डर्मिस क्या हो जाएगी, प्याले के कप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, अभी डर्मल पैपिला क्या बनाएगा, हेयर रूट, सॉरी हेयर पैपिला का निर्माण कर लेगा। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग, ओके। ऊपर की जो लेयर है ये कहलाएंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक कहलाएंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाएंगे। जो नीचे की लेयर थी स्ट्रेटम मेलपिगियन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्ट्रेटम मेलपिगियन कहलाएंगे। ये लेयर हो जाएगी डर्मिस, डर्मिस लेयर। ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है। यहाँ पे सेकंड आए, इसमें क्या हो, यहाँ पे हमने क्या बोला कि डोम लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है, यहाँ पे डर्मिनल पैपिला बन जाएगा। ठीक है ना, ये पैपिला आगे धसकर किसमें किसकी तरह कप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर कप लाइक स्ट्रक्चर किसमें, हेयर पैपिला में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा प्रीमोडिया ऑफ हेयर पेपला। क्या हो जाएगा, प्रीमोडिया ऑफ हेयर पेपला। नीचे की तरफ पाई जाएगी डर्मिस लेयर, डर्मिस। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की यदि बात की जाए, थर्ड पार्ट में क्या होगा, आगे की तरफ जितनी भी है इसमें क्या पाई जाएंगी, ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, साथ ही साथ न्यूरॉन्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, जो कि क्या कर रही है, आगे जो ये डोम लाइक स्ट्रक्चर हेयर पैपिला का निर्माण हुआ है, ये आगे क्या होगा, कुछ कोशिकाओं का या क्रेटनिकृत कोशिकाओं को का कोशिकाओं की सहायता से एक केंद्रीय रॉड के लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेगा। उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, शाफ्ट। उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बुलाया जाता है शाफ्ट। ठीक है, तो उसको इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग।
ऊपर वाली लेयर हो जाएगी एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस लेयर, ठीक है ना। ये नीचे की तरफ आ जाएगी स्ट्रेटम मैल्पिगियम, स्ट्रेटम मैल्पिगियम पाई जाएगी, यहाँ पे पाई जाएगी इसमें डर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यदि देखा जाए तो ये हेयर शाफ्ट के निर्माण के लिए क्या करेगा, पहले हेयर बल्ब का निर्माण होगा, एक छोटे से तंतु का निर्माण होगा, क्या होगा, एक छोटे से तंतु का पहले क्या निर्माण, छोटे से तंतु का निर्माण हो जाएगा, ये ऊपर की लेयर कहलाएगी एपिडर्मिस, ये लेयर हो जाएगी स्ट्रेटम मैल्पिगियम, साथ ही साथ इसमें क्या होगा, एक हेयर बल्ब का निर्माण होगा जो कि एक तंतु के रूप में होता है, इसका हेयर बल्ब का। नीचे की तरफ क्या पाई जाएगी, डर्मल शीट पाई जाएगी और डर्मल पैपिला पाया जाएगा, ये हो जाएगी डर्मल शीट, यहाँ पर हो जाएगा डर्मल पैपिला, ओके। आगे चलकर बना ये हो जाएगा फोर्थ थर्ड फिफ्थ, अभी देखा जाए तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक शाफ्ट का निर्माण कर लेगा, ये जाएगा हेयर शाफ्ट, इससे रोम निकलते हैं, ठीक है ना। और पुराने बाल को रिप्लेस करके या ओल्ड हेयर को रिप्लेस करके क्या बनेगा, हमेशा न्यू हेयर का फॉर्मेशन पाया जाएगा, क्या पाया जाए, न्यू हेयर का फॉर्मेशन पाया जाए। ये हो जाएगा एक्सटर्नल रूट शीट, एक्सटर्नल रूट शीट, साथ ही साथ यदि देखा जाए तो नीचे की तरफ कुछ रूट निकली होती है, इन रूट को बोलते हैं हम लोग हेयर रूट, ओके। साथ ही साथ जैसे हमने इसमें देखा था, फोर्थ स्ट्रक्चर में देखा था, क्या पाया जाए, डर्मल पैपिला था, वो किस में चेंज जाएगा, हेयर पैपिला के अंदर, हेयर पैपिला के अंदर क्या हो जाएगा चेंज, हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर डिस्क्राइब करना पड़ता है तो हमने पहले देखा था जर्मिनल लेयर में क्या डोम लाइक स्ट्रक्चर बनती है जो क्या होती है, डर्मिस में धस जाती है, डर्मिस क्या बनाएगा, डर्मल पेपिला, जो आगे चलकर रोम पेपिला या हेयर पेपिला में कन्वर्ट हो जाता है, डर्मिस में धसता जाता है, तथा तथा डर्मल पेपिला का, पेपिला का निर्माण करता है, इसका डर्मल पैपिला का निर्माण करता है, यह है डर्मल पैपिला, पैपिला कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात हेयर पैपिला में, हेयर पैपिला में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। हेयर पेपिला में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब इस हेयर पेपिला में बहुत सारी ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाएं आकर, तंत्रिकाएं पाई जाती है इस हेयर पेपिला, जिसे रोम पेपिला भी बोल सकते हैं, हेयर
पेपला में कुछ रक्त वाहिकाएं व तंत्रिकाएं आकर मिलती हैं, ठीक है ना, क्या होंगी, तंत्रिकाएं आकर मिलेगी। अब जो एपिडर्मिस थी, जो ऊपर की लेयर थी एपिडर्मिस, उससे क्या होगा, एक अभिवृद्धि निकलेगी बाहर की तरफ, लेयर निकलती है जो कि क्या करेगी, डर्मिस लेयर को चीरती हुई कुछ क्रिएटिन कोशिकाओं को इकट्ठा करके शाफ्ट का निर्माण करेगी। एपिडर्मिस परत क्रिएटिनित कोशिकाओं की सहायता से केंद्रीय कांड, या बोल सकते हैं शाफ्ट होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हमने इसमें इसके रूप में दर्शाया, जैसे हमने हेयर बल्ब की बात की, हेयर बल्ब आगे किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ से कैल्सिफाइड होकर ये सारी की सारी हेयर बल्ब किस में चेंज हो जाएगा, हेयर शाफ्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, शाफ्ट बनाती हैं तथा इसके चारों जो कि हमने ब्लैंक स्पेस देखा है इस तरफ, तथा इसके चारों ओर रिक्त स्थान पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, इसके चारों ओर पाया जाएगा रिक्त स्थान पाया जाएगा, ठीक है ना, रिक्त स्थान के चारों ओर क्या पाई जाएंगी, एपिडर्मिस की कोशिकाएं पाई जाएंगी जो हेयर फॉलिकल का निर्माण करेंगी रिक्त स्थान के चारों ओर एपिडर्मिस सेल्स हेयर फॉलिकल का निर्माण करती हैं, क्या करती हैं, हेयर फॉलिकल का निर्माण करेंगी, ठीक है ना, हेयर फॉलिकल आगे चलकर किस में चेंज हो जाएगा, बल्ब में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, बल्ब में चेंज हो जाएगा। यह हेयर फॉलिकल आगे चलकर बल्ब में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो बल्ब की पुटक कोशिकाएं फॉलिकुलर सेल्स थी, ये क्या बनेंगी, सेबेशियस ग्रंथि, जो कि क्या करती है, इन रोम को कोमल बनाए रखने का कार्य करती है, ग्रंथि को कर लेंगी, विकसित कर लेंगी। कुछ हेयर फॉलिकल सेल्स मोटी होकर सेबेशियस ग्रंथि का निर्माण करती हैं जो कि रोम को कोमल बनाए रखने का कार्य करती है, ठीक है ना, रोम को क्या बनाए रखने का, कोमल बनाए रखने का कार्य करेगी, ठीक है ना। अब जितनी भी ये हेयर रूट पाए जाएंगे, जाके हमने इसमें फिफ्थ स्ट्रक्चर में देखें, हेयर रूट में या बोली जाए जड़ में, रूट में क्या पाई जाएंगी, नई क्रिएटिनीकृत कोशिकाएं पाई जाएंगी जो कि क्या, केंद्रीय शाफ्ट जो हमने बोला है इसकी लंबाई को बढ़ाती हैं, ठीक है, हेयर रूट की नई क्रिएटिनी
क्रीटनित कोशिकाएं कोशिकाएं शाफ्ट की लंबाई को बढ़ाती है, ठीक है ना। शाफ्ट की लंबाई को क्या बढ़ाएंगी, तथा ये शाफ्ट क्या होगा, एपिडर्मिस लेयर को तोड़कर बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। तथा यह शाफ्ट एपिडर्मिस परत को तोड़कर त्वचा से बाहर निकल आता है। त्वचा से क्या होगा, बाहर निकल आता है। तो हमने हेयर के डेवलपमेंट की बात की। हेयर का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ, सबसे पहले हमने बोला जो जर्मिनल लेयर थी, ठीक है ना, क्या थी, जर्मिनल लेयर थी, उसमें क्या बना, एक डोम लाइक या फूला हुआ भाग का निर्माण करे, जो कि क्या है, डर्मिस रीजन में धंसता हुआ जाता है। अभी इस जो फूला हुआ भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं डर्मल पैपिला। कुछ समय पश्चात ये डर्मल पैपिला कुछ ज़्यादा भाग के रूप में फूल करके इसमें चेंज हो जाएगा, हेयर पैपिला के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अभी हेयर पैपिला में क्या पाई जाएंगी, ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, ब्लड कैपिलरीज पाई जाएंगी और न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, मतलब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाएंगी, ठीक है ना। इसी के साथ एपिडर्मिस परत की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं क्रेटनीकृत हो जाती हैं, क्रेटिन प्रोटीन का निर्माण करने लग जाते हैं। क्रेटनीकृत कोशिकाओं की सहायता से क्या बना लेंगी, एक शाफ्ट का या एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती हैं, ठीक है ना, क्या कर लेती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेंगी। इसके चारों ओर क्या पाया जाएगा, ब्लैंक स्पेस पाया जाएगा, जैसा कि हमने इस वाले कंडीशन में दिखाया है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इसके चारों ओर पाया जाएगा ब्लैंक स्पेस पाया जाएगा, ये रिक्त स्थान क्या करेगा, हेयर फॉलिकल्स का निर्माण करेगा, रोम पुटक का निर्माण करेगा, ठीक है। अब ये जो हेयर फॉलिकल है आगे चलकर एक फूले हुए भाग का निर्माण करेगा, उस फूले हुए भाग को हम लोग बोलते हैं उबल्ब बोल सकते हैं या बल्ब बोल सकते थे, ठीक है ना, क्या बल्ब बोल सकते थे। अब ये हेयर फॉलिकल मोटी होकर सेबेशियस ग्रंथि को निर्मित कर लेगी कुछ, और हेयर फॉलिकल की कुछ कोशिकाएं काम करती है सिर्फ सेबेशियस ग्रंथि का काम करने में। सेबेशियस ग्रंथि का काम होता है जितने भी रोम निर्मित होते हैं विकसित होते हैं इनको क्या करना, कोमल और चिकना बनाए रखना, मुलायम बनाए रखना, कोमल चिकना और मुलायम बनाए रखना इनका क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है। अब जितनी भी हेयर रूट की कोशिकाएं थी, नई कोशिकाएं जितनी भी बनेंगी क्रेटनीकृत हो जाएंगी और शाफ्ट की लंबाई में क्या करेंगी, ऊपर की तरफ वृद्धि करेंगी। हमने पहले बात की जितने भी पुराने बाल होते हैं, जितने पुराने रोम होते हैं, इनको रिप्लेस कौन करता है, नए रोम क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं पुराना वाला ऊपर की तरफ ज़्यादा निकलता जाता है, नीचे से क्या होता है, क्रेटनीकृत कोशिकाएँ शाफ्ट की लंबाई, शाफ्ट हो गया, अगर नए निकलेंगे तभी शाफ्ट की लंबाई में क्या होती रहेगी, ऊपर की तरफ लंबाई में वृद्धि होती रहेगी, ठीक है ना। शाफ्ट की लंबाई में क्या हो जाएगी, यहाँ वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अभी कुछ समय पश्चात ये शाफ्ट जो है, जो हेयर शाफ्ट निकला है, ये एपिडर्मिस लेयर को चीर कर या पेनिट्रेट करके क्या हो जाएगा, स्किन से बाहर निकल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रोम, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करना, मतलब हीट लॉस को रोकने के लिए। हेयर का काम होता है बॉडी से हीट लॉस को रोकने के लिए, ऊर्जा की कमी होने से रोकने के लिए इसका काम होता है। दूसरी बात कह सकते हैं हम लोग, संवेदनशीलता प्रदान करना, सेंसलेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है ना, क्या कराना, सेंसलेशन प्रोवाइड कराना, ओके। अभी कुछ मॉडिफाइड भी हो जाते हैं कुछ एनिमल्स में, जैसे कि हम लोग बात करते हैं हेजहॉग की बात कर सकते हैं, उसमें किसके रूप में, स्पाइंस के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं, कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, किसमें, कांटों के रूप में बाल परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। अगर स्केल्स की बात करें, जैसे कि एकेडिना की हम लोग बात करते हैं, उसमें स्केल्स के शल्कों के रूप में हो जाते परिवर्तित, और कुछ जैसे राइनो की हम लोग बात कर सकते हैं, राइनो उसमें सी हॉर्न के रूप में
क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं इसके क्या मॉडिफिकेशंस। ओके, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।